मैच के पहले दिन टीम इंडिया के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 98 गेंदों पर 92 रन बनाए। वहां प्रवीण जयविक्रमा की गेंद पर स्टंप आउट हुए। अय्यर जब बल्लेबाजी के लिए आए थे उस समय भारत का स्कोर 86/4 विकेट था। इसके बाद अपने चौथा टेस्ट मैच खेल रहे अय्यर ने सिर्फ एक छोर संभाले रखा बल्कि तेजी से रन भी बनाते रहे। हालांकि वह अपने करियर का दूसरा शतक पूरा नहीं कर सके लेकिन उनकी ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी। अय्यर को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज भारत के लिए अर्धशतक भी नहीं बना सका।